का मेथड है ना कि हर एक व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमाने चाहता है। रणनीति जो है इस मार्केट में चलती है और उस हर टाइम पर आपको समझाऊंगा। गलत होगा तो गलत समझा दूंगा, अच्छा कुछ आएगा तो अच्छा समझा दूंगा। उसके बाद निर्णय क्या है हमें अपने लेने पड़ गए। अभी ये ना अपने दम पर ऑर्डर को कलेक्ट करता जा रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस कंपनी के पास ऑर्डर बुक नहीं देने तो सेबी अब क्या करेगा। सेबी को जांच तो प्रस्तुत करनी है। बातों को समझना सर, कि मैंने आपको कहा था कि हाल ही में एक बात जान लो सर कि जो भी कंपनी बर्बाद हो जाती है ना उसके अंदर भी ऑपरेटर जो होते हैं ना अपने पैसों के दम पर। मेरे से कई लोगों ने पूछा सर कि अब बीसीजी में क्या करें। देखो सर, उनको मैंने कहा है ना तो सेल ना एवरेज, ऊपर सर्किट लगातार लगाता हुआ जाता है तो उसकी परिस्थितियों को जानने का एकमात्र ये तरीका है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, बात करेंगे बीसीजी की और बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या योजना बनाने वाला है उसके बारे में हम एक समीक्षा करेंगे और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से कोई भी शेयर बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है फिर वो बड़ी तेजी के साथ आपको लोअर सर्किट लगातार लगाता हुआ जाता है तो उसकी परिस्थितियों को जानने का एकमात्र ये तरीका है कि जब वो काफ़ी दिनों तक अपना लोअर सर्किट लगा देता है ना तो बीच बीच में जब उसके अंदर खरीदारी होती है ना तो वो बता देती है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके अंदर उजाले आएंगे। मेरे से कई लोगों ने पूछा सर कि अब बीसीजी में क्या करें। देखो सर, उनको मैंने कहा है ना तो सेल ना एवरेज, बस वेट करें। हर एक व्यक्ति जो मेरे से इस तरह का कमेंट किया तो मैंने कहा कि सर वेट करें और आपको ट्यूसडे से कुछ ना कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसके अंदर खरीदारी करते हुए वॉल्यूम के साथ नजर आए हैं। ये क्या चीज़ दर्शा रहा है? क्या ये सब कुछ बीसीजी में सही हो गया? सबसे पहले एक बात जान लो सर कि जो भी कंपनी बर्बाद हो जाती है ना उसके अंदर भी ऑपरेटर जो होते हैं ना अपने पैसों के दम पर हमें उसके अंदर उजाले दिखा देते हैं। वो किस तरीके से? उसके अंदर अपर सर्किट लगाकर, माल खरीद कर। जब वही कुछ लोग गिरावट में अपने शेयरों को निकालते हैं तो हमारा दिल करता है अब इस कंपनी में कुछ नहीं रहा। और तभी उसके बाद जब अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं तो लगता ऐसा है कि भाई अब इस कंपनी में सब कुछ है। तो अभी इस कंपनी में कुछ भी मुझे नहीं लगता सही हुआ है। देखो सर, सेबी इसके खातों के जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम थी उसके जाँच के लिए सेबी वर्क कर रहा है और ब्राइटकॉम से उसके बारे में जवाब मांग रहा है। इसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई कि जो आज आपको शेयर ने अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दिया। जब कंपनी का शेयर अपर सर्किट लगाता रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तो हमें नज़र आनी चाहिए कि भाई इस वजह से इसके अंदर अपर सर्किट लग रहे हैं। ध्यान रखना कि अब इस शेयर में करना क्या। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब इस शेयर में करेंगे। देखो सर, अब क्या होगा अगर ये लगातार अपना अपर सर्किट लगाता गया तो ये थोड़ा दिन तक लगाता रहेगा, लेकिन अगर इसने बीच बीच में कुछ हल्का सा अपर सर्किट खोलता गया, भाई मतलब इसने दो दिन बाद या कल ही थोड़ा थोड़ा सा अपर सर्किट इसने खोला और फिर इसने अपर सर्किट लगाया तो ध्यान रख लेना आगे जाकर ये फिर लोअर सर्किट लगा देगा। मैंने कहा ना ऑपरेटर उस कंपनी में भी जान ला देंगे जिस कंपनी की आगे जाकर डूबने की उम्मीद होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी को डूबना है, बल्कि पैसा कमाने का मेथड है ना कि हर एक व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमाने चाहता है। रणनीति जो है इस मार्केट में चलती है और उस रणनीति का मतलब है कि बिना सबूत का कोई भी शेयर लोअर सर्किट लगाए अपर सर्किट लगाए उससे हमें दूरी की एक अवधि बना लेनी चाहिए। ध्यान रखना सर कि जब ये मई 2021 में 4 रुपये का शेयर 113 रुपये तक भी जाकर फिर सेबी के रिपोर्ट के बाद ये 9 रुपये में अभी तक मिल रहा है और इसी शेयर को मैंने सर 4 रुपये करीब का ख़रीदा था और ऊपर जाकर इसको मैंने सेल किया था।
उसके बाद जब इतना ऊपर जाने के बाद एक शेयर इतने नीचे हमें मिल रहा है भाई, वो चार का शेयर जब 113 का चक्कर लगाकर 20-21 रुपए में आए तो यहाँ पर मनसा बनती है। लेकिन उसके बाद ही सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार फिर इसके अंदर जो गिरावट हुई उसके अंदर फिर हमारा निकलना नहीं बनता, क्योंकि हमने इसके अंदर इसका काम देखा था सर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसे सर 30-40-50-60 रुपए में इस शेयर को बीसी जी को ख़रीदा होगा। देखो सर इसका जो काम है ना मुझे भा रहा है, अब इस काम के वजह से ये अपने को संभाल सकता है, लेकिन अगर इन्होंने अंदरूनी कुछ कमी की होगी तो फिर ये शेयर बर्बाद भी हो सकता है, ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। तो आज की तेज़ी से ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं समझना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि भाई अब शेयर जो है 9 रुपये में मिल रहा है, अभी इसके अंदर हमें खरीदारी करनी पड़ेगी, और ये फिर यहीं से तेजी के संकेत दिखा। कुछ लोगों को नीचे से भी तो ऊपर ले जाना है ना भाई, कुछ लोग यहाँ पर भी खरीदेंगे तो वो ऊपर जाके कुछ समझदार प्रॉफिट बुक करेंगे, और कुछ लोग सोचेंगे ये बहुत ऊपर जाएगा, फिर यहीं पर ट्रैप होने के मामले आ जाते हैं। आपको क्या समझना है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। आगे जाकर अगर ये थोड़ा थोड़ा सा इसने अपर सर्किट खोला तो समझ जाना कि 1-2-3 दिन के अंदर ये फिर लोअर सर्किट लगाएगा। अगर सेबी की जो चीज़ें सेबी ने इनके ऊपर कहा इसका जवाब कंपनी के तरफ से बिल्कुल उल्लेख करके बिल्कुल अच्छा करके आता है तो समझ जाना कि इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, फिर ये और आगे तक भी आपको मनसा दिखाएगा। मसला ये है कि सेबी की वजह से ये इतने नीचे मिल रहा है इस टाइम, क्योंकि जब जाँच के दायरे में ये कंपनी आई तभी से ये लोअर सर्किट लगा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि जब तक के वो चीज़ें निकलकर कंपनी की तरफ से नहीं आएगी जिससे सेबी संतुष्ट हो जाए, तब जाकर इसके अंदर पॉजिटिव संकेत हमें देखने चाहिए। बल्कि ये नहीं कि हमने ले रखा 20-21 में और ये 9 रुपये जाकर फिर 45 पैसे या जितने भी रुपये भी ये बढ़ा है तो उससे हम खुश हो जाएं। हमारा तो शेयर अभी लॉस में ही है ना, हम तो लॉस में ही है ना। तो हर एक रणनीति को हमें ये नहीं कि कोई हमारे पास शेयर है तो उसको हमें अच्छाई की तरफ देखना चाहिए, उसकी सारी रणनीति को हमें जानना चाहिए। तो बिल्कुल भी अभी इसके अंदर वाली भावना मत रखना कि सब कुछ इसके अंदर सही होगा। देखो सर हर टाइम पर आपको समझाऊंगा, गलत होगा तो गलत समझा दूंगा, अच्छा कुछ आएगा तो अच्छा समझा दूंगा, उसके बाद निर्णय क्या है हमें अपने लेने पड़ते हैं। मैंने आपको कहा ना ये बात पर ध्यान देना कि ऑपरेटर उस कंपनी में भी जान ला देंगे जिस कंपनी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हमारा जो दृष्टिकोण होता है ना मार्केट में, वो शेयरों को ऊपर जाते हुए अच्छे में बदल जाता है, और हमारा जो दृष्टिकोण होता है कोई अच्छी कंपनी भी होगी और अगर वो गिरता जा रहा है तो हमारे अंदर का भावना ऐसी जाग जाएगी इस कंपनी से कोई बेकार कंपनी नहीं है। तो वो ये चीज़ इसके अंदर अभी चल रही है, ये अपर सर्किट लगाएगा ये तो आपको पहले ही पता लग गया था कि जब 2-4 दिन से इसके अंदर खरीदारी हो रही थी ये तो भावना आ गई थी। अब आपको समझना है कि ये लोअर सर्किट कब लगाएगा, जब इसके अंदर कुछ ये खुल खुल कर आपको दिखाएगा और कुछ लोग नए एंट्री करेंगे इसके अंदर। तो सेबी वाला मामला इसके अंदर अच्छा होने दो, तब जाकर इसके अंदर हम अपनी अच्छी मनसा बनाएंगे। इसलिए मैं अभी इसमें एवरेज भी नहीं करूँगा ना इससे एग्जिट करूँगा, बल्कि अपने पैसों को समझूंगा या तो मैंने गए या फिर आए, क्योंकि इस तरीके का मसला आ रहा है कंपनी की अंदरूनी चीज़ों से, और जब अंदरूनी चीज़ों का मामला होता है वो हमें पता नहीं होता है कि वो क्या रिपोर्ट निकल के अंदर से आएगी, क्या उसके अंदर हुआ है। यही मामला जो मैं आपको समझाने वाला हूँ अडानी ग्रुप में, क्योंकि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर काफ़ी नीचे की तरफ मिले हैं वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मिले हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेबी ने कोर्ट से 6 महीने का वक्त जो है जांच करने के लिए लिया है, वो बहुत बढ़िया जांच जो है सेबी अब करना चाह रहा है। यहाँ की जांच के अलावा वो विदेशों की जांच के लिए भी कुछ नियमित जो बाहर के होते हैं उनसे बात करके वहाँ से जांच की एक दायरा निकालेगा। लेकिन वहाँ के नियामक जो हैं यानी सेबी जैसे वहाँ के जो हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं वो सेबी को साथ नहीं दे रहे हैं। अब सेबी का साथ जब बाहर के नियामक नहीं देने तो सेबी अब क्या करेगा, सेबी को जांच तो प्रस्तुत करनी है। बातों को समझना सर कि मैंने आपको कहा था कि हाल ही में अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी आ सकती है, लेकिन सेबी कर रहा है जाँच, अभी 6 महीने मिले हैं।
और आपको अब यह समझना चाहिए कि सेबी ने कहा है कि वो सरकार की मदद लेगा इसके उपलक्ष्य में कि भाई बाहर के जो एफबीआई थे, अंतिम लाभार्थी थे जिन्होंने अडानी जी के ऊपर या पैसे पूसे में जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारे के सारी चीज़ें जो हैं नियामक के द्वारा, जांच के द्वारा निकलेगी, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे। लेकिन इस चीज़ के लिए वो अब सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सहारा लेंगे, यानी मंत्रालय का सहारा भी सेबी लेना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जिस तरीके से बाहर के जो नियामक है, स्विट्जरलैंड जैसे कई देश हैं विदेशों में, उनकी पूरी की पूरी जांच के निकालने के लिए सेबी ये काम कर रहा है, क्योंकि भारी निवेशकों का ही जो लेन देन हुआ है वो किस तरीके से इनकी कंपनियों के द्वारा हुआ है या होगा, ये सारी चीज़ों की जांच जो है सेबी अब इसकी मदद सरकार से लेने वाला है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब इसके अंदर जांच के दायरे बढ़ेंगे। अभी तक तो सेबी जांच कर रहा था, कोर्ट अपनी कमेटी से जो भी चीज़ें करने के लिए सेबी को बोला था वो हो रहा था, अभी इसके अंदर विदेशों का मामला फंसा हुआ है। और जब विदेशों का मामला फंसा हुआ है, कुछ नियमों के अनुसार कुछ जांच तरीके जो हैं बताए नहीं जाते, तो अब जब सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, मंत्रालय इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जांच के दायरे बाहर निकलेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो जांच के दायरे सही हैं या गलत होंगे, वो तो जांच होने के बाद होंगे। तो सरकार के मदद लेने की भी सोच रहा है सेबी। इस उपलक्ष्य में मैं ये बता रहा हूँ कि इनके शेरों से अगर हमें बस थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के ये चीज़ें होंगी वो बाहर के द्वारा होंगे और सारी चीज़ें जो हो रही है निष्पक्ष जांच के लिए सेबी कर रहा है। तो सेबी जब जांच करता रहेगा, कुछ क्लू निकलते रहेंगे, वो आते रहेंगे बाहर, तो वो आपका शेयरों में इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। तो अपने को हर संभव प्रयास से हमें बचा लेना चाहिए। जिस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा ना इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थितियों पर नज़र रखा हुआ है और अपनी योजना वो बनाता जा रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी का कल बर्थडे था 1 मई का, वो 68 साल के हो गए हैं। कंपनी की तरफ से एक योजना पर वो विशेष ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक योजना पर, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना पर कंपनी विशेष ध्यान दे रही है। अब वो क्या करें सर, यात्री वाहन हो गया आपका, 3 पहिया वाहन हो गया, और आपका कृषि के इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक उपकरण जो आते हैं उसको साधन बनाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ध्यान दे रहा है, जो इलेक्ट्रिक उपकरण बनेंगे। ये देखो कितनी बड़ी बात जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से निकल कर आ रही है। देखो यात्री वाहन जो बन रहे हैं, कारें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक वाहन में बनेगी। थ्री व्हीलर में जो इलेक्ट्रिक वाहन का जो सपना अच्छा सा अच्छा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देखा है, जिसकी वजह से इसका जो बाजारी हिस्सेदारी 36% की है, जिसके ऊपर ये थ्री व्हीलर में टॉप पर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक ईवी के क्षेत्र पर कदम 1999 में थ्री व्हीलर लॉन्च करके किया था, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी इनके जो हरिद्वार प्लांट से 1-2 महीने पहले 50,000वीं इकाई का इन्होंने निर्माण कर दिया थ्री व्हीलर का। तो ये इतनी अच्छी संभावना इलेक्ट्रिक वाहनों में जिस तरीके से महिंद्रा महिंद्रा देख रहा है, ये वाजिब है कि आने वाले दिनों में इसको इलेक्ट्रिक वाहन में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर बना देगा। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से अभी महिंद्रा महिंद्रा जो यात्री वाहन बनाता है, सब मिलाकर जो यात्री वाहन बनाता है वो करीब 39,000 प्रति महीने बनाता है, इसी चालू वित्तीय वर्ष में इसको ये 49,000 प्रति माह वाहन बनाकर कर देगा। ये तो सर सारे वाहन मिलाकर हो गए, लेकिन जिस तरीके से ये सपना इलेक्ट्रिक वाहन पर देख रहा है, तो ये 2027 में सालाना 2,00,000 इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा देख रहा है। और उसके बाद आप ये समझना कि ये थ्री व्हीलर के साथ साथ ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी, कृषि के उपकरण, यानी कि कृषि के उपकरण इलेक्ट्रिक के उत्पादन बनाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कमर कस ली है। जो कृषि प्रधान हमारा देश है, इसके अंदर कृषि के उपलक्ष्य में जितने उपकरण जो पहले डीजल और पेट्रोल से चलते होंगे, उस पर विशेष ध्यान रखते हुए इसे ये बैटरी से चलाने की एक
मनसा बनाकर चलाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखकर चलना चाहिए हमें। ये इस कृषि के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन पर उतर आया है और अपना लक्ष्य इन्होंने बेखूबी बता दिया है। अभी पुणे में इन्होंने अपना 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर। ये कितनी बड़ी न्यूज है, वहाँ से इलेक्ट्रिक वाहन वहाँ से निकला करेंगे। तो ये अपनी कमर जो है ना इसने पहले बता दी कस ली है, किस चीज़ में सर, इलेक्ट्रिक वाहनों में। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से हम कहते हैं भाई हमें ना इलेक्ट्रिक हमें जो ईवी का शेयर पता लग जाए, तो शेयर तो सर सबको पता लग जाएंगे, लेकिन जो अंदर की भावना निकल निकल के न्यूज़ के द्वारा आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी हमारी नज़रों में चढ़ा है और प्रतिदिन कहीं ना कहीं से इसके अंदर एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसको कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिलता जा रहा है। ध्यान रखना सर, इससे पहले इसे तमिलनाडु से भी ऑर्डर 39 मेगावाट का मिल चुका है, जिसके अंदर ये विंड टर्बाइन स्थापित करेगा और उसके निर्माण पूरा होने के बाद, चालू होने के बाद उसका रख रखाव और संचालन का काम सुजलोन एनर्जी करेगा। अभी कर क्या रहा है सुजलोन एनर्जी, अभी ये ना अपने दम पर ऑर्डर को कलेक्ट करता जा रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस कंपनी के पास ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी आने वाली दिशा उसकी अच्छी होती जाएगी। जिस TRBNL रेलवे के प्रोजेक्ट जो पकड़ रहा है, और इसी तरीके से कुछ प्रोजेक्ट जो है सुजलोन एनर्जी पकड़ रहा है। एक न्यूज़ जो गुजरात से निकल कर आई है कि जुनिपर ग्रीन एनर्जी ने इनको सर 69.3 मेगावाट का विंड टर्बाइन के परियोजना का एक ठेका यानी कि एक इनो को ऑर्डर मिल गया है। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। जुनिपर ग्रीन एनर्जी के पास 800 मेगावाट की जो परिचालन में सौर परियोजना है, जिसके अंदर वो बिजली उत्पन्न करता है। अब उनको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो अपनी शुरुआत पवन ऊर्जा के क्षेत्र पर सुजलोन को ये ऑर्डर देके कर रही है। अब देखो सर कि जिस कंपनी ने पहले सोलर पर अपने को स्थापित किया, यानी कि 800 मेगावाट की वो अपनी परिचालन की उनकी एक चीज़ है सोलर पर, और वो अपनी शुरुआत जो पवन के क्षेत्र पर कर रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट आने वाले ज़माने में अक्षय ऊर्जा होता जा रहा है। और वो उस कंपनी को ऑर्डर दे रहा है पहली बार जो सुजलोन एनर्जी हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में भी है और देश के साथ विदेशों में भी काम करे। तो कहीं ना कहीं कंपनी मजबूत है, तभी तो कोई अपनी शुरुआत जब पवन ऊर्जा पे कर रहा है तो क्या वो ऐसी कंपनी को देगा जो काम अच्छा ना करता हो। आप खुद समझो कि अगर मुझे कुछ मकान बनाना है तो मैं ऐसे ठेकेदार को दूंगा जिसने पहले 4-5 मकान खराब कर दिए। आप एक बात समझो सर, आप ऐसी कुछ कार लेने जा रहे हो जिस कार की मार्केट वैल्यू खराब हो, और उस कार को आप फिर खरीदोगे, आप नहीं खरीदोगे। तो इसी तरीके से जब जुनिपर ग्रीन एनर्जी ने सोलर के बाद अपना ये पहली शुरुआत जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में करी है वो सुजलोन के साथ की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूज आ रही है, जिसके अंदर ये गुजरात में इस तरीके का जो लगाएंगे और विंड टर्बाइन चालू होने के बाद संचालन और उसका रख रखाव करेंगे। तो अभी अपना सुजलोन एनर्जी है ना ऑर्डर पे ऑर्डर लिया जा रहा है, और विश्वास जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी के संकेत बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ तेजी के संकेतों के साथ इस शेयर को पकड़ा है, फिर ये गलत है सर, ये मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी परियोजना इसको मिल रही है, तो क्या ये पवन ऊर्जा जो के क्षेत्र में अच्छा नाम नहीं करेगा अपना और ज्यादा, और जब ये इस तरह का काम करेगा तो उसका रख रखाव और संचालन नहीं करेगा ये, तो ये क्या चीज है, ये आगे की चीज हो जाती है, आने वाले दिनों के लिए अच्छी चीज हो जाती है। तो हर विशेष ध्यान आपको सुजलोन एनर्जी पे उसके काम को देखकर करना पड़ेगा, और लगातार इसको दोबारे से एक ऑर्डर जो मिला है ये एक जता रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सुजलोन को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं तो इसके अंदर अच्छी संभावना और रखने की उम्मीद बढ़ जाती है। जब किसी कंपनी के पास ऑर्डर होता है, उस कंपनी के शेयरों को कभी नहीं रखोगे जिसके पास ऑर्डर ही ना हो और वो लॉस पे लॉस दिया जा रहा और घाटे पे घाटे वाली न्यूज आ रही हो, तो ऐसे शेयरों से हमें दूर रहना चाहिए। तो BCG में अभी कुछ भी अच्छे होने की उम्मीद नहीं है, अंदरूनी जो चीजें होती हैं उस वजह से ही ये शेयर पहले गिरा है, और सेबी ने जो इनके ऊपर जो जांच के दायरे लगाए हैं उसके बाद ये 9 रुपए में जो शेयर मिल रहा है, और इसने जो अपर सर्किट लगाया है ये बिल्कुल भी अभी दिल को अच्छा नहीं लग रहा है। और तब अच्छा लगेगा जब कंपनी की तरफ से कुछ ठोस चीज़ें निकल कर आएंगी, और फिर बता रहा हूँ कि ऑपरेटर उस कंपनी में भी जान ला देते हैं जो कंपनी मरी हुई है।
ऑपरेटर उस कंपनी में भी बेकार दृष्टि हमारी कर देंगे जिस कंपनी में सब कुछ अच्छा हो। तो सब चीज़ पैसों की है सर, नीचे जाते हुए सब चीज़ बेकार, ऊपर जाते हुए सब कुछ अच्छा। इस मार्केट पे लगता है ये नियम को समझ कर चलते रहो। इस मार्केट खुलने की दिशा अभी 2-4 दिन में बनेगी, उस पर भी इसकी चाल को आप पकड़ते रहो। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की योजना कृषि के उपकरण पर बनाने में लग गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे लग रही है। और उसके बाद 2027 में 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन प्रति साल ये बनाने की चेष्टा रख रहा है। इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना हमें चाहिए। और अडानी ग्रुप की जो भी जांच से भी कर रहा है उसके लिए वो सरकार और अपना मंत्रालयों से सहायता लेने की से भी सोच रहा है, ताकि FPI के जो पोर्टफोलियो के द्वारा नियमित वहां के जो जांच का दायरा अच्छा सा निकल सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, सब तक के लिए नमस्कार।